अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ स्लीव का डिज़ाइन, जो कि उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। ये देखें हमारी अक्सर स्लीव्स के अंदर जो है ना जोड़ डल जाता है, और ये देखें ये जोड़ है इन दोनों स्लीव्स के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमने क्या करना है। ये मेरे पास कलरफुल सी नेट है जिसे मैंने एक दूसरे के साथ जोड़ दिया हुआ। ये देखें मैं आपको इसकी इंच बता देती हूँ, ये कितने इंच है। ये 7.5 इंच है ये वाली जो नेट है, हमने जो लंबी इसको जितना आपने जितने कलर आप जोड़ना चाहें आप जोड़ सकते हैं। ये देखें मैंने डिफरेंट कलर इसके ऊपर जोड़े हैं, ये देखें। और इस तरह से ये हमने ये सेम है, मतलब के ये उतना ही पार्ट है जितने के ये 7.5 इंच ही है ये सारा। तो अब हम इसके दरमियान में से इसे कट कर लेंगे ताकि ये हमारी दोनों स्लीव्स के ऊपर आ जाए ईजीली। तो हमने इस तरह से रख के इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है। ये देखें हमने इसी तरह रख के इसको दोनों हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, कट कर लेना है। देखिए अब हमने इसके ऊपर इसको किस तरह से रख के लगाना है मैं आपको बता देती हूँ। इसके हम एक साइड पे लगाएंगे ये नीचे वाली साइड पे झालर, और एक साइड को हम ऐसे ही रहने देंगे, उधर नहीं हम लगाएंगे इसकी फ्रिल। ये मैं आपको बता देती हूँ हमने कहाँ से स्टार्ट करना है। ये इस तरह से रख के हमने इसको इस तरह से यहाँ छोटी छोटी चुंट्स डालते हैं ना यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से हमारी डलती आएंगी। और यहाँ पे आके हमने इसका यूं कोना बनाना है चुंट्स के साथ ही, और फिर हम ये इस तरफ ले आएंगे इसको सीधा। ये हमारी फ्रिल हमने बड़ी बड़ी चुंट्स डालनी है ताकि ये हमारी जो फ्रिल है ये पूरी आ जाए, क्योंकि ये काफ़ी लंबी है, इसमें हर कलर आना चाहिए। ये देखें इस तरह से हम इसको रखते जाएंगे, और इसके साथ रखते ही हमने ये वाला जो पार्ट है ये इसके ऊपर रखते ही हमने इसके साथ साथ सिलाई लगाते जाना। ये देखें हम अंदर चुंट्स डालते जाएंगे और यहाँ पे यूँ साथ साथ इसके सिलाई लगाते जाएंगे ताकि आपके लिए इजी हो जाए। लेकिन अगर आप चाहते हैं आप पहले इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन फिर बाद में ये रख के इसके ऊपर दूसरी सिलाई लगेगी। लेकिन अगर आप जल्दी काम अपना ख़त्म करना चाहते हैं तो पहले ये चुंट्स ये देखें साथ साथ ही आप चुंट्स डालते जाएँ और साथ साथ ही इसे रख कर सिलाई लगा दें ऊपर रख के। मैं आपको फिर बता देती हूँ, आपने ये वाला ही साइड पर झालर नीचे करके लगानी है फ्रिल, लेकिन इस तरफ हम नहीं लगाएंगे, इस तरफ हम जस्ट हेम करेंगे। तो हम सिलाई लगा लेते हैं, ये हमारी झालर लग गई है मैंने जिस तरह से आपको बताया था। इस तरफ हमने जस्ट हीम की है और इस तरफ हमने झालर लगाई है, ये हमारा दरमियान बन गया और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। लेकिन हमने एक तरफ फ्रिल लगानी है, दूसरी तरफ हमने ये देखें हमने क्या लगाना है। ये मैंने इसको कपड़ा सीधा लेके इसको हमने टर्न किया और इसकी सिलाई लगा दी। अब यहाँ से हम इसको कट करेंगे और सीधा कर लेंगे, इसको टाई कह लें। ये देखिए हमारी टाई सी बन जाएगी जिसे बो कहते हैं, इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम इसको ना सुई और धागा ले लेंगे। ये मैंने 4-5 बनाए हैं इसी तरह के जिन्हें हमने सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद हमने सुई धागा ले लेना है, ये देखें इस तरह से। देखें मैंने 4-5 बनाए हैं, और ये देखें मैंने कलरफुल से बटन लिए हैं 2-4 कलर्स के। अब हमने इसको क्या करना है, सुई धागा ले के अब इसे हम दरमियान में से इसको इस तरह से कर लेंगे। ये देखें ये हमारी बो तैयार हो गई है। अब हमने इसको इस तरह से इस तरफ रख के लगानी है, जिस तरफ झालर नहीं है हमने उस तरफ इनको लगाना है। ये देखें इस तरह से जितनी भी आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, आपकी जितनी स्लीव्स हैं ये इस तरह से, इस तरह से। और इसके ऊपर एक हम बटन लगा देंगे, ये देखें हम इसके अंदर बटन डाल देंगे। जिस तरह से मैंने इसके डिफरेंट कलर की मैंने इसके ऊपर नेट लगाई है, इसी तरह मैंने डिफरेंट कलर के इस बटन ले लिए हैं, जो मैं डिफरेंट कलर के बटन लगाऊंगी। ये इसी तरह हमने बटन लगा देने हैं, ये देखें ये हमारा बटन लग गया। ये हमने इसके ऊपर भी इसी तरह और कलर का लगाएंगे, इसके ऊपर भी और इस यहाँ पर भी एक और। मैंने इसके ऊपर बटन लगा के इसको इनको लगा लिया हुआ है टाइयों को, ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ, ये हमारा डिज़ाइन स्लीव्स का जो कि बहुत ही खूबसूरत बना है। अब हमने क्या करनी है, अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। इसको हम तंग ही रखेंगे, ज़्यादा खुला नहीं रखेंगे, जहाँ तक हमने नेट ये देखें इतना हमने इसको मार्जिन रख के हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है, जो कि बहुत ही अच्छी। अगर आप खुला रखना चाहते हैं खुला रख लें, वो आपकी अपनी चॉइस है। ये देखें ये हमने इसके ऊपर फिटिंग लगा ली हुई है, ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ स्लीव, ये देखें ये हमारी स्लीव जो है बहुत खूबसूरत बनी है।
उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। आप अपनी दुआओं में हमें याद करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।